गुज्जर समुदाय की मांगों को लेकर आज जिला गुज्जर कल्याण सभा चंबा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान हसनदीन की अगुवाई में एसी चंबा से मिला। इस दौरान वनाधिकार अधिनियम 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने, घुमंतू समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग में 2% अलग कोटा देने बारे, जिला मुख्यालय में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू करने, गुज्जर कल्याण बोर्ड हज कमेटी व अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन करने व जन्म मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने जैसी मांगों को जिला प्रशासन के सामने रखा गया और इस समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को भेजा गया। आज जिला गुज्जर कल्याण सभा चंबा का एक डेप्यूटेशन जो है वो उपायुक्त महोदय चंबा से अपने समस्याओं को लेकर के मिला, जिसमें मुख्य रूप से 2-3 इश्यूज़ जो हैं हमारे वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो हमने पहले भी कई बार ये मांग उठाई है कि जो डिले डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो इश्यूज़ है पंचायतों में, वो सिर्फ गुज्जर कम्युनिटी का नहीं है, बाकी लोगों का भी है। उसमें पंचायत राज एक्ट के मुताबिक जो है 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन की जाना, या ऐसा आदेश है, लेकिन उसके बाद जब डिले डेथ और बर्थ की हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं पंचायत में, तो वो फिर हमें जो है हमारे लोगों को सीएमओ ऑफिस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास भेज देते हैं, और उसके बाद जो है वो एफिडेविट बना करके फिर एसडीएम के पास भेजते हैं, फिर उसके बाद तहसीलदार के पास, और फिर जो अखबारों में पब्लिश करने की बात करते हैं। जबकि पंचायती राज जो डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है उसके मुताबिक सिर्फ जो फाइनल अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो इसके लिए कंपिटेंट है कि आप जो है एक महीने तक जो है वो 2 रुपये की लेट फीस पे, एक महीने के बाद 1 साल तक जो है वो 5 रुपये की लेट फीस पे, और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की परमिशन से जो है पंचायत सेक्रेटरी जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसमें जो ऐड किया गया है कि आप जो है एसडीएम के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ और फिर पब्लिश कराओ, ये जो है बिल्कुल अपनी मर्जी से ऐड किया गया है। इसको हम चाहते हैं कि इसको हटाया जाए और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये डिप्टी कमिश्नर चंबा जो है इसके लिए लेटर इशू करें कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो है डेथ और बर्थ की रजिस्ट्रेशन के लिए वो अपनी लेटर जो है वो इशू करें। दूसरा हम जो साल घाटी के लोग हैं, साहू और सिल्ला घाट के, हम ये देख रहे हैं कि जैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार बारिशें कम हो रही हैं, सूखे का जो है वो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, तो हमारे जो नेचुरल सोर्स हैं वो लगातार सूखते जा रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है कि जो साल घाटी की जो नदी है, साहू और सिल्ला घाट के जो नाले हैं, उनमें से बहुत सारी जो है इरीगेशन और पेयजल जो स्कीम है वो वहाँ से उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार हमारे नाले में पानी जो कम हो रहा है। और हमारे भविष्य के लिए हम जो पशुपालक हैं, हम जो घाट चालक हैं, हम जो सब्जी उत्पादक हैं, हमारा जो जीवन है वो उन्हीं नाली के पानी के ऊपर जो डिपेंड है, निर्भर है। अगर इसी तरह से पानी उठाया जाता रहा तो आने वाले 5-7 साल में हमारे साहू और सिल्ला घाट के इलाके में पीने का पानी नहीं बचेगा, जिससे हमारे पशुओं पे, हमारे छोटे किसानों पे, हमारे घाट चालकों पे जो है वो आजीविका का संकट गहरा जाएगा। हम ये चाहते हैं कि आज के बाद कोई भी नई स्कीम वहाँ से ना उठाई जाए। अगर कहीं शहर के आसपास किसी इधर सरोल हरिपुर इस इलाके में अगर पानी देना है तो रावी नदी से उठा करके दिया जाए। तीसरा है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का जो कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको जो है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। उसकी जो फाइलें पेंडिंग हमारी पड़ी हैं तीसा में, सलोनी में और चंबा में जो SDLC के पास, उनको तुरंत जो उनके ऊपर जो है वो छानबीन करके उनको लोगों को उनके अधिकार दिए। किन्नौर में दे दिए गए लोगों को, बिलासपुर, पालमपुर, बैजनाथ में दे दिए गए, लेकिन चंबा में जो सबसे पहले हमने प्रोसेस शुरू किया था, लेकिन आज तक जो है एक भी यहाँ से फाइल अप्रूव अब तक नहीं हुई। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो जो FRC है, फॉरेस्ट राइट कमेटी है, और जो उससे कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पंचायती राज डिपार्टमेंट है, और FRCs के जो मेंबर हैं उनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रशिक्षण प्रदान करे, ताकि आम लोगों तक ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है, कैसे इसके लिए जो है अपनी फाइल तैयार की जाए, कैसे व्यक्तिगत आदमी को कितना मिलेगा और समुदाय को कितना मिलेगा, ये लोगों को पता चले। तो ये 3 मुख्यतः डिमांड हैं। उसके अलावा हमारी और जो स्टेट लेवल की डिमांड है, जैसे गुज्जर कल्याण बोर्ड का जो गठन अभी नहीं हुआ है, ना किसी अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है, 1.5 साल कांग्रेस सरकार को बने हुए होंगे, हम ये चाहते हैं कि जल्दी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गुज्जर कल्याण बोर्ड और माइनॉरिटी वेलफेयर कल्याण बोर्ड का जो है वो गठन करे, और हज कमेटी का गठन करे, ताकि लोगों को सहूलत हो और लोग अपनी समस्याओं को डायरेक्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर के सामने रख सकें। विधायक उन्होंने इसके लिए बात भी की थी, आश्वासन भी दिया है। हम ये चाहते हैं कि जैसे कांगड़ा में, पालमपुर में, शिमला में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में पासपोर्ट ऑफिस है, लेकिन
चंबा में जो है एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा बचा जिसमें पासपोर्ट ऑफिस नहीं है। हमारे यहाँ से सैकड़ों बच्चे जो हैं बाहर जाते हैं, बांग्लादेश में या पढ़ने के लिए कहीं और यूक्रेन में और कई देशों में जाते हैं, तो उनको अपना पासपोर्ट बनाने के लिए जो है वो शिमला में या पालनपुर कांगड़ा में जाना पड़ता है। हमारे सैकड़ों हाजी हर साल जो हज यात्रा के लिए यहाँ से जाते हैं, तो उनको अपना जो पासपोर्ट बनाने के लिए कांगड़ा में पालनपुर में या शिमला जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है वो जल्द शुरू किया जाए।